कर देखा उसको, ये मुझे लग रहा है अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर निकला है क्योंकि अभी बहुत एक्टिव नहीं है। दोपहर की धूप है और देख रहे हो पसीना, और अभी जो है हम अपने कार्य क्षेत्र में हैं और आज कुछ विशेष काम से तो इस वजह से हम आए हुए हैं। उसको देख सकते हैं पटवाल जी भी एकदम थक चुके हैं और अपने लोगों ने जो है अपना पूरा अपना ये पूरा जो कार्य क्षेत्र था हमारी। तो आपको दिखाता हूँ मैं कुछ, ये देख रहे नहर, यहाँ की एक अच्छी विशेषता ये लगी गांव में ना, ये गांव देख रहे हैं ये है छोई, और छोई के इधर देख सकते हैं यहाँ पर जो घर बने हुए हैं तो घरों के आसपास जो नहर बहती जा रही है तो एकदम शानदार है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ गाँव पर और अभी हम लोग जो है रामनगर मार्केट जा रहे थे तो अभी जो है गाँव से कॉल आई कि जो है किसी जो रिजॉर्ट पे जो है कोबरा आ गया है, तो कोबरा स्नेक का रेस्क्यू करने के लिए अभी हम जा रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ स्नेक रेस्क्यूअर शंकर जी का, और फिर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको कोबरा। तो ये देखिए इधर आ रखा है आपका कोबरा की कॉलिंग है, आई थिंक अभी दिखाता हूँ आपको कहाँ पर कैसी स्थिति में फंसा हुआ है। और ये मेरे पास देख रहे होंगे स्नेक टोंग है ये देखिए, और तो दोस्तों मौके पे आए और हमने देखा कि ये कोबरा नहीं ये किंग कोबरा है। और तो दोस्तों ये जो है गांव में जो है किसी गौशाला से निकलते हुए ये रिजॉर्ट में आ गया है, और अब जो है इसको जो है हम रेस्क्यू करेंगे और सेफली जो है फॉरेस्ट पे इसकी होम रेंज में रिलीज कर देंगे। दोस्तों ये देखिए ये किंग कोबरा भी बैठ रखा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए देख सकते हैं आप चेयर में आराम से विश्राम कर रहा है। क्योंकि जो है किंग कोबरा एक जहरीला सांप होता है तो शंकर जी ने जो है पाइप के द्वारा सेफली जो है इसको रेस्क्यू कर लिया गया है, अब इसे हम जो है इसकी होम रेंज में रिलीज कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है किंग कोबरा को जो है रेस्क्यू कर लिया है, देख सकते हैं बैक पे है, अभी हम जो है इसको सेफली जो है रिजर्व फॉरेस्ट में जो है इसको रिलीज कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है किंग कोबरा आया था अभी तो कुछ, तो देखिए किंग कोबरा जो कि एक बहुत रेयर स्नेक्स है गर्मियों में निकलते हैं, मैंने देखा, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मैंने देखा कि एक सांप की छटछटाहट की आवाज़ आई, बैम्बू लीफ लेटर हो रहा था, मैं देखा कि हाँ वो मैसिव किंग कोबरा है और मैं देखा उसको, ये मुझे लग रहा है अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर निकला है क्योंकि अभी बहुत एक्टिव नहीं है। तो मेरे साथी जो वन विभाग की तरफ से यहाँ पे रेस्क्यूअर हैं मिस्टर सती जी, भवानी दत्त सती जी को मैं तुरंत कॉल लगाया और मैंने इसको ऑब्जर्वेशन में रखा। तो मेरे पड़ोस में पंकज सती का घर है और वहाँ उनकी गौशाला है, चूँकि अगर रात को इस इलाके में घूमेगा तो हो सकता है किसी को बाइक का प्रॉब्लम हो जाए, तो हमने इसे समझा कि इसको हम सुरक्षित बाहर निकाल लें, और मेरे साथी ने मुझे तुरंत रिस्पॉन्स किया और उन्होंने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं, आप ऑब्जर्वेशन में रखें। और तब तक हम लोगों ने ये पाइप अरेंज कर लिया और जो बेसिक रेस्क्यू की चीज़ें हैं वो हमने देखी, और सती जी के निर्देशन में तुरंत ही इसको 5 मिनट में बिना किसी एफर्ट के पकड़ लिया गया। और इसको अब क्योंकि तराई वन प्रभाग का मामला है, हम तराई वन प्रभाग में आते हैं और तराई वन प्रभाग के साथी को बुलाया जाएगा और उनकी उपस्थिति में हम इसको कहीं रिलीज कर देंगे जी। थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा जो है पूरा आरक्षित वन क्षेत्र देख सकते हैं, और हम इसको ओपन फॉरेस्ट में छोड़ रहे हैं देख सकते हैं, और ये है मिस्टर रेस्क्यूअर सती जी। तो ऊपर जो है पानी क्षेत्र है, पानी का क्षेत्र, और ये देखिए, और शंकर जी जो है इसको रिलीज कर रहे हैं देख सकते हैं, और इसने इसको ओपन कर दिया गया है ये देखिए, इसकी किंग कोबरा की होम रेंज में हम इसको रिलीज कर रहे हैं। और तो दोस्तों हमने इसको अभी अभी जो है बैग से निकाला है तो एकदम इतना एक्टिव नहीं है, तो अभी जो है ये जल्दी अब जो है अपने हैबिटेट पे जो है रिलीज हो गया है देख सकते हैं, और ये देखो ये जा चुका है।